सभी को नमस्ते। आप सभी जानते ही हैं कि इस परिसर में झुंझुनू के इस मंदिर परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक आज संपन्न हो रही है। गत 3 दिनों से यानी 7 जुलाई से बैठक प्रारंभ हुई थी, 7, 8 और 9 आज सायं ये बैठक समाप्त होगी। कोरोना काल के पश्चात पिछले वर्ष जब ऐसी बैठक हुई थी तो चित्रकूट में तो कुछ ही लोग बैठक में आ पाए थे और बाकी सब लोगों को ऑनलाइन जुड़ना पड़ा था। तो उसके पश्चात प्रत्यक्ष रूप से ये प्रांत प्रचारकों की अखिल भारतीय बैठक पहली बार हो रही है। ये बैठक मुख्यतः संगठनात्मक विषयों पर केंद्रित रहती है और देश भर में अपने संघ के जो कार्य है, शाखा कार्य और शाखा कार्य के साथ साथ जो अन्य कार्य चलते हैं उसके संदर्भ में सभी प्रांत प्रचारक अपने अपने प्रांत की जानकारियों को यहाँ साझा करते हैं और निश्चित रूप से आगामी योजनाओं पर भी विचार होता है। आप जानते हैं कि 2 वर्ष कोरोना काल में संघ के जो प्रशिक्षण वर्ग होते हैं जिनका संघ के कार्यकर्ता निर्माण के में बहुत बड़ा महत्व है, वो नहीं हो पाए थे 2 वर्ष। इस वर्ष सामान्य रूप से वो सारे प्रशिक्षण हुए हैं। प्रशिक्षण में एक प्रकार होता है जिसमें 40 वर्ष की आयु के नीचे जो शिक्षार्थी होते हैं उनका वर्ग होता है, तो जिसमें प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष ऐसे होते हैं। तो ऐसे प्रथम वर्ष के 65 और द्वितीय वर्ष के 15 और तृतीय वर्ष का 1, ऐसे 81 वर्ग जो है इस बार हुए और उसमें 40 वर्ष के कम उम्र के जो शिक्षार्थी थे, मतलब युवा शिक्षार्थी कह सकते हैं, तो उनकी संख्या 18,981 इतनी रही। 40 वर्ष के आयु के ऊपर के जो शिक्षार्थी है उनके भी 20 वर्ग देश भर में लगे प्रथम वर्ष के, उसमें 2,925 कितने शिक्षार्थियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर इस वर्ष जो सारा प्रशिक्षण संपन्न हुआ है उसमें 21,906 कितने शिक्षार्थियों ने भाग लिया है। तो इस वर्ष सामान्य रूप से ये वर्ग सारे हुए हैं और ऐसा मान सकते हैं कि संघ का अपना जो कार्य है वो पुनः अपने उस गति से कोरोना काल के पश्चात आगे बढ़ रहा है। शाखा की दृष्टि से भी जो कोरोना काल में कुछ शाखाएं बंद थी, कुछ ऑनलाइन चल रही थी, ये सारा जो चक्र चल रहा था, तो मार्च के प्रतिनिधि सभा जब हुई थी उसी समय हमने जानकारी दी थी। अब जब जुलाई में हम लोग इसको देखते हैं तो शाखाओं की संख्या 56,824 इतनी हुई है, तो लगभग ऐसा मान सकते हैं कि सामान्य रूप से शाखाओं का क्रम भी प्रारंभ हो गया है। स्वयंसेवक अलग अलग तरह की गतिविधियों में भी समाज के साथ, समाज के जो विभिन्न संस्थाएं होती है या अलग अलग प्रकार के व्यक्ति जो कार्य करते हैं उनके साथ मिलकर कई प्रकार के सामाजिक कार्य में स्वयंसेवक जुटते हैं। जैसे पर्यावरण संबंधी कार्य है, जल प्रबंधन के, कचरा के प्रबंधन के कार्य है, ऐसे कई कार्य विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के साथ मिलकर स्वयंसेवक उनके साथ जुड़ते हैं और उनके नेतृत्व में ये सारे काम हो रहे हैं, तो इन कामों को भी काफ़ी अच्छी गति मिली है। इसके साथ ही परिवार प्रबोधन का जो कार्य है तो वो भी समाज के विभिन्न प्रकार के संत, अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाएं उनके साथ मिलकर अपने परिवार कैसे, भारतीय परिवार किस तरीके से एक अच्छे सुखी और परिवार हो सकते हैं, इस संदर्भ में जो कार्य चल रहा है वो कार्य भी लगातार आगे बढ़ रहा है। कई सारी समाज में सामाजिक दृष्टि से कुरीतियाँ हैं उसके निवारण के कार्य को भी समाज के विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न स्तर के जो सामाजिक नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ऐसे सभी लोगों को साथ में जोड़कर और कई प्रकार की संस्थाएं हैं, मठ है, मंदिर है, संत है, तो ये कुरीतियों को दूर करने के प्रयास में भी कई सारे स्वयंसेवक लगातार लगे हैं। इन सब विषयों की भी बैठक में
समीक्षा हुई है, तो ऐसा संक्षिप्त में कह सकते हैं कि समाज की जो सज्जन शक्ति है, जो विभिन्न प्रकार के अच्छे कार्य में लगी है, ऐसे सारे लोगों के साथ मिलकर स्वयंसेवक जुटे हुए हैं। स्वाधीनता के जो 75 वर्ष, आज़ादी 75, ये जो मुख्य रूप से अब आने वाली 15 अगस्त 1947 के बाद 2022 को जो 75 वर्ष पूरे हो रहे, उस संदर्भ में देश भर में विभिन्न प्रकार के कई सारे ऐसे जो कार्य हो रहे, कार्यक्रम हो रहे, उसमें भी स्वयंसेवक जुटे हुए हैं। विशेषकर अपना जो स्वाधीनता का आंदोलन था, उसका मुख्य बिंदु स्व आधारित था, स्वभाषा, स्वदेशी, स्वतंत्र, ऐसे कई स्व पर आधारित था, तो उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाए, इस पर भी विचार हो रहा है। और कई सारे स्वाधीनता आंदोलन में समाज के, देश, हर तरह के लोग इसमें जुटे थे, देश भर के सभी भाग से लोग इसमें जुटे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम अनसंग हीरो कह सकते हैं, कि जिनके बारे में वो अज्ञात रह गए या जिनके तरफ निर्देश नहीं हुआ, ऐसे कई लोगों को सामने लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारे कार्य समाज के, सरकारी जितने भी कार्यक्रम हो रहे, उसमें भी स्वयंसेवक शामिल हो रहे हैं, उसको यशस्वी करने में जुटे हैं। स्वयंसेवक भी अपने अपने स्तर पर ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और समाज में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं, संघ स्वयंसेवकों के द्वारा संचालित जो विभिन्न संगठन है वो भी, और समाज में बहुत सारे ऐसे संगठन ऐसे कार्यक्रम गतिविधियां कर रहे हैं, तो उनके साथ जुड़कर भी स्वराज स्वाधीनता 75 के विभिन्न कार्यक्रमों में स्वयंसेवक जुटे हैं। तो इसके बारे में भी बहुत सारा सामग्री, साहित्य भी बना है समाज में, उसको भी अधिक से अधिक प्रचारित करने का कार्य भी हाथ में लिया गया है। एक और विषय के बारे में मार्च के प्रतिनिधि सभा में भी विचार विनिमय हुआ था, और जिसके बारे में जानकारी भी दी गई थी, कि कुल मिलाकर जो भारत है अपना, अपने स्टार्टअप, अपना स्वरोजगार और विकेंद्रित दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से बहुत सारे युवा पहल करें, आगे आए, उनको प्रोत्साहन मिले, इससे ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है और आर्थिक समृद्धि सभी तक पहुंच सकती है। इस दृष्टि से स्वावलंबी भारत अभियान, स्वावलंबी भारत जो अभियान है उसको हाथ में लिया गया था, स्वावलंबी भारत अभियान। इस दृष्टि से बहुत सारे विभिन्न प्रकार के संगठन, उनको जोड़कर ये प्रयास किया गया। अभी तक 22 प्रकार के प्रमुख संगठन इससे जुड़े हैं, और भी भविष्य में बहुत सारे संगठन जुड़ रहे हैं। इसके माध्यम से देश भर के संघ दृष्टि से जो प्रांत होते हैं 45, उनमें प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन हुआ था, और उसमें लगभग 4000 ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया गया है जो स्वावलंबी भारत अभियान को आगे बढ़ाएंगे, और लगभग 200 प्रकार के ऐसे छोटे मोटे ऐसे उद्योग जो ग्रामीण स्तर पर और नीचे के स्तर पर इस कार्य में लगे हैं, वो भी अभी तक इससे जुड़ गए हैं। और आने वाले समय में जो सारे संगठन मिलकर, उन लोगों ने जो निर्णय लिया है, 15 जुलाई जो कौशल दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्किल डे दिवस होता है, वो उससे लेकर जो 21 अगस्त उद्योजक एंटरप्रेन्योरशिप डे होता है इंटरनेशनल, वहाँ तक एक व्यापक सम्मेलन, उद्योजकता प्रोत्साहन सम्मेलन देश भर में वो आयोजित करने वाले हैं। इस अभियान के अंतर्गत संघ के स्वयंसेवक इस अभियान में अपने अपने स्तर पर सभी जगहों पर उनको समर्थन करेंगे, और जहाँ भी आवश्यकता होगी उनका सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से अपने व्यक्ति निर्माण और शाखा कार्य के साथ साथ स्वयंसेवक समाज के लिए उपयोगी और आवश्यक ऐसे विभिन्न कार्य में आगे बढ़ेंगे। स्वाधीनता 75 के मनाने के जितने भी उपक्रम आगे चलेंगे, उसमें भी स्वयंसेवक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और विभिन्न प्रकार के संगठन, सरकार, संस्था, उनको भी इसमें सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई, और बहुत सारे समाज के
अलग अलग प्रकार के अपने जो कार्य के दौरान जो अनुभव आते हैं उनको भी जो प्रांत प्रचारक लोग और सारे लोग आए थे प्रतिनिधि सबने आपस में उन अनुभवों को भी साझा किया है और उन अनुभवों से निश्चित रूप से आपस में बांट कर अपने कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे इस पर भी विस्तार से बैठक में विचार हुआ है। 2025 में संघ कार्य के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो इस निमित्त जैसे कि पहले भी सूचित किया गया था कि एक व्यापक कार्य विस्तार की योजना बनी है। हम लोगों ने 2021 से ये योजना बनाई थी और दो तीन वर्ष की योजना थी 2024 तक, यानी हमारी प्रतिनिधि सभा जो 2024 में मार्च में आएगी तब तक, तो लगभग एक वर्ष का जो विस्तार कार्य हुआ है उसकी समीक्षा हमने इस बैठक में की है और अगले दो वर्ष में आगे कैसे अपना कार्य बढ़ेगा इसके योजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। विशेषकर 2022 और 23 का जो विस्तार कार्य होगा उसके बारे में डिटेल में विस्तार से चर्चा यहाँ पर हुई है। आप लोगों को पिछले बार भी जानकारी दी गई थी कि मार्च प्रतिनिधि सभा में जब हम मिले थे तो संघ कार्य लगभग देश भर में 55,000 प्लेसेस पर शाखा कार्य अपना चल रहा था और हम लोगों ने आने वाले दो वर्ष में ये लक्ष्य रखा है कि लगभग 1 लाख स्थानों पर हम अपने कार्य को ले जाएंगे। तो इसकी जो भी विस्तारित योजना है कि हर प्रांत में, हर जिला में, हर मंडल में ये कार्य कैसा होगा इसके बारे में भी, उसके विस्तृत विवरण के बारे में भी बैठक में चर्चा हुई। निश्चित रूप से संघ का जो कार्य है समाज में नीचे तक उसका विस्तार हुआ है, कार्य का विस्तार हुआ है और समाज के जितने भी, मैंने जैसे जानकारी दी कि विभिन्न प्रकार के जो कार्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए स्वयंसेवक बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं और धीरे धीरे समाज में एक सकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है। तो संघ की यही इच्छा थी कि समाज में एक जागरण हो और जिससे समाज बहुत सारे सकारात्मक कार्य लेकर आगे बढ़े, तो उस दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि क्रिएटिव फ्रीडम ये भारत की परंपरा है, बहुत लंबी परंपरा है, अर्थात समय परिस्थिति में लोक भावना का ध्यान सभी को रखना चाहिए। किसी को भी इस तरीके से अपने फ्रीडम का, अपने स्वाधीनता का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों की भावनाएं आहत होती हो। तो मुझे लगता है कि इसमें सभी ऐसे लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा है कि उदयपुर में जो नृशंस हत्या हुई वो अत्यंत निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना हो वो कम है। हमारे देश में लोकतंत्र है, संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी को अगर कोई बात पसंद नहीं आई तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए लोकतांत्रिक मार्ग है और मुझे लगता है कि समाज में सभी को, विश्व जो सभ्य समाज है वो भी ऐसे जो घटनाएं होती है उसकी निंदा ही करता है। इसलिए मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हिंदू समाज शांति से, संवैधानिक तरीके से देश भर में अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, आक्रोश है उसमें। मैं मुस्लिम समाज से भी कहूँगा कि निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो इसका निषेध होना चाहिए। कुछ बुद्धिजीवियों ने इसका निषेध किया है लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मुस्लिम समाज के भी प्रमुख लोगों को सामने आकर समाज को इसका बढ़ चढ़ कर विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये न किसी एक समाज के हित में है न किसी हमारे देश के हित में है। इसका सबको मिलकर निषेध करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ की ये हमेशा भूमिका है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि किसी को भी किसी की भावनाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। स्वाभाविक असहमति होती है तो संवैधानिक मार्ग हमारे पास है, उसका उपयोग करना चाहिए। ये बात निश्चित रूप से कुछ
दिनों से चल रही है कि कुछ लोग धमकियां देकर भय का वातावरण उत्पन्न करना चाह रहे हैं, वो सही गलत है, वो उचित नहीं है, वो देश के हित में नहीं है, समाज के हित में भी नहीं है। इसलिए सभी को मेरा ये आह्वान है कि हम लोगों को इसका निषेध करना चाहिए इसी बात।